शैतान यीशु का परीक्षा करत बाटे। यीशु का बपतिस्मा होखला के तुरंत बाद पवित्र आत्मा उनके जंगल में ले गईल। यीशु वहाँ 40 दिन और 40 रात रहलन। वो समय उपवास कैले रहलन और शैतान यीशु के पास आके पाप करावे के खातिर उनकर परीक्षा लिहलस। पहले शैतान यीशु से कहलस, यदि तू परमेश्वर का बेटा बाड़ा तो ये पत्थर के रोटी बना द ताकि तू खा सका। लेकिन यीशु शैतान से कहले, परमेश्वर के वचन में ये लिखल बाकी जियत रहे के खातिर आदमी के खाली रोटी का जरूरत नहीं के बाकी उनके हर वो बात ये जरूरत बा जेवन की परमेश्वर उ लोग से कहत बाड़न। तब शैतान यीशु के मंदिर के सबसे ऊंचा सिरा पर ले गईल। वो उनसे कहले कि यदि तू परमेश्वर का बेटा बाड़ा तो यहाँ से नीचे कूद जा, काहे से कि लिखल बा परमेश्वर तोहके उठावे खातिर अपनी स्वर्गदूतन की आज्ञा दी है कि तुहरी गोड़ में पत्थर से घाव ना लागे। लेकिन यीशु उ ना कैलन जेवन की शैतान उनसे कहत रहे करे के खातिर। एकरी बदले उ कहलन कि परमेश्वर हर एक जना से कहत बाड़न कि तू प्रभु अपनी परमेश्वर का परीक्षा मत लिहा। फिर शैतान उनके दुनिया का कुल राज के दिखौलस। उनके दिखौलस कि कितना शक्तिशाली बाड़े और उ कितना संपन्न रहले। उ यीशु से कहलस, हम तोहके ये सब देईब यदि तू घुटना टेके हमार उपासना करबा त। यीशु जवाब दिहले कि हे शैतान, हमारी पास से चल जा, परमेश्वर का वचन में उ लोगन के आदेश देत बाड़े कि खाली अपनी प्रभु परमेश्वर का आराधना करा, परमेश्वर के रूप में खाली उन्हीं का आदर करा। यीशु शैतान की परीक्षा से हार ना मनले, यही से शैतान उनकरी पास से चल गईल। तब स्वर्गदूत आके यीशु का सेवा टहल करे लगलन। मती अध्याय 4:1-11, मरकुस 1:12-13, लूका 4:1-13 से एगो बाइबिल का खिस्सा